एनडीए न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं हो सका। सदन में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और एआईएडीएम के सांसदों ने हंगामा किया। इस वजह से कार्यवाही को पहले 12 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही स्थगित होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है। बता दें कि टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 3 नोटिस दिए हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने से नाराज टीडीपी पहले एनडीए से अलग हुई और अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सपोर्ट कर रही है। यह एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष संसद में सरकार को हराने या फिर कमजोर करने के लिए रखता है। अविश्वास प्रस्ताव उस वक्त भी लाया जाता है जब किसी पार्टी को लगे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव साबित होने पर सरकार गिर सकती है। कैसे लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले सभापति को लिखित में सूचना देनी होती है। इसके बाद सभापति को इन्फॉर्म करने वाली पार्टी के किसी सांसद से प्रस्ताव पेश करने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रस्ताव एक्सेप्ट हो इसके लिए जरूरी है कि 50 सांसदों का सपोर्ट हो। इसके बाद वोटिंग कराई जाती है या फिर सपोर्ट करने वाले सांसदों को खड़ा कर गिनती की जाती है।